तो आज हम लोग प्रोबेबिलिटी के फंडामेंटल ऑक्सियम्स के रिगार्डिंग 58th क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। ये क्वेश्चन इस चैप्टर का आखिरी क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन में हमें गिवन है ए एंड बी आर टू इंडिपेंडेंट विटनेसेस इन ए केस। तो हमारे पास ए एंड बी दो पर्सन्स है जो कि किसी केस के लिए दो इंडिपेंडेंट विटनेसेस है। द प्रोबेबिलिटी दैट ए विल स्पीक द ट्रूथ इज एक्स एंड द प्रोबेबिलिटी दैट बी विल स्पीक द ट्रूथ इज वाई। तो ए पर्सन के सच बोलने का प्रोबेबिलिटी है एक्स एंड बी पर्सन के सच बोलने का प्रोबेबिलिटी है वाई। ए एंड बी एग्री इन ए सर्टन स्टेटमेंट। तो किसी एक सर्टन स्टेटमेंट पर ए एंड बी एग्री करते हैं, मतलब कि दोनों ही या तो झूठ बोल रहे हैं या फिर दोनों सच बोल रहे हैं। तो सो दैट द प्रोबेबिलिटी दैट दिस स्टेटमेंट इज ट्रू इज एक्स वाई डिवाइडेड बाई वन माइनस एक्स माइनस वाई प्लस टू एक्स वाई। तो हमें शो करना है कि उस स्टेटमेंट के सच होने का प्रोबेबिलिटी है एक्स वाई डिवाइडेड बाई वन माइनस एक्स माइनस वाई प्लस टू एक्स वाई। तो सॉल्यूशन में हम सबसे पहले लिख सकते हैं सिंस, क्योंकि ए एंड बी जो पर्सन है दोनों एग्री कर रहे हैं स्टेटमेंट पर, एग्री इन ए सर्टेन स्टेटमेंट, एग्री इन ए सर्टेन स्टेटमेंट, सो हम बोल सकते हैं बोथ ऑफ देम विल आइदर स्पीक द ट्रूथ, आइदर स्पीक द ट्रूथ और स्पीक द फॉल्स। ठीक है, मतलब कि दोनों के दोनों या तो सच बोल रहे हैं या फिर दोनों ही झूठ बोल रहे हैं, तभी दोनों के बाद में एग्री हमें दिख रहा है। ओके, नाउ हम मान लेते हैं लेट ए वन बी द इवेंट। ए वन हमारे पास एक इवेंट है, बी द इवेंट दैट डिनोट्स, जो डिनोट करता है बोथ ए एंड बी दोनों पर्सन से सच बोल रहे हैं, ए एंड बी विल स्पीक द ट्रूथ। ओके, ऑल्सो हम मान लेते हैं ए टू को एक इवेंट है जो कि डिनोट करता है बोथ ए एंड बी विल स्पीक द फॉल्स। ठीक है, ए एंड बी दोनों पर्सन से झूठ बोल रहे हैं, इस इवेंट को हम ए टू मान लेते हैं। एंड एक्स बी द इवेंट, एक्स हमारे पास एक इवेंट है बी द इवेंट जो कि डिनोट करता है दैट डिनोट्स बोथ ए एंड बी जो पर्सन है एग्री, दोनों एग्री करते हैं किसी एक सर्टन स्टेटमेंट पर, एग्री इन ए सर्टन स्टेटमेंट। ओके, नाउ हम बोल सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए वन इज इक्वल्स टू एक्स वाई, दोनों पर्सन सी सच बोल रहे हैं, इसका प्रोबेबिलिटी है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए वन दैट इज इक्वल्स टू, हमें एक्स वाई मिलेगा क्योंकि ए पर्सन के सच बोलने का प्रोबेबिलिटी है एक्स एंड बी पर्सन का सच बोलने का प्रोबेबिलिटी है वाई। सो दोनों पर्सन से अगर सच बोले तो ए वन इवेंट ऑकर करेगा एंड दैट विल बी इक्वल्स टू एक्स वाई। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए टू, मतलब कि दोनों पर्सन से अगर झूठ बोले तो उसका प्रोबेबिलिटी होगा वन माइनस एक्स इंटू वन माइनस वाई। ओके, सो हम बोल सकते हैं एक्स इज इक्वल्स टू ए वन प्लस ए टू। ठीक है, क्योंकि एक्स का मतलब है दोनों पर्सन किसी एक स्टेटमेंट पर एग्री कर रहे हैं, मतलब कि दोनों का जो डिसीजन है वो सेम है। ठीक है, मतलब कि दोनों का यूनियन, दो इवेंट का यूनियन होगा या फिर एडिशन होगा। तो एक्स इक्वल्स टू हम ए वन प्लस ए टू लिख सकते हैं। दे आर फोर हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इक्वल्स टू मिलेगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए वन प्लस ए टू दैट इज इक्वल्स टू, हम लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए वन प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए टू, क्योंकि यहाँ पर ए वन ए टू दोनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स है। सिंस ए वन एंड ए टू आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। ओके, सो हम प्रोबेबिलिटी ऑफ ए वन प्लस ए टू को प्रोबेबिलिटी ऑफ ए वन प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए टू लिख सकते हैं। सो दैट इज इक्वल टू, अगर हम वैल्यूज पुट करें तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ ए वन इज इक्वल टू एक्स वाई है, सो दैट इज एक्स वाई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए टू का वैल्यू है वन माइनस एक्स इंटू वन माइनस वाई। अभी अगर इसे हम सिंप्लीफाई करें तो हमें मिलेगा वन माइनस एक्स माइनस वाई प्लस टू एक्स वाई। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स का वैल्यू हमें मिला है वन माइनस एक्स माइनस वाई प्लस टू एक्स वाई। तो अभी हम लोग ए वन एक्स इवेंट को इक्वल टू लिख सकते हैं ए वन इंटू ए वन प्लस ए टू, क्योंकि हमारे पास एक्स इज इक्वल टू ए वन प्लस ए टू है, सो दैट इज इक्वल टू हमें मिलेगा ए वन प्लस ए वन ए टू दैट इज इक्वल टू ए वन दोनों का इंटरसेक्शन हमें
ए वन मिलेगा प्लस ए वन ए टू, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन मतलब कि इंटरसेक्शन हमें जीरो मिलेगा, दैट इज इक्वल्स टू ए वन होगा, क्योंकि ए वन प्लस जीरो मतलब कि ए वन यूनियन जीरो, इसका वैल्यू ए वन होगा। ठीक है, यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन का मतलब है इंटरसेक्शन एंड एडिशन का मतलब है यूनियन। ओके, सो देयरफॉर हम बोल सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए वन एक्स इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए वन इज इक्वल्स टू एक्स वाई, क्योंकि हमें पता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए वन एक्स वाई के साथ इक्वल होता है। हिंस हम बोल सकते हैं दी रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी, दी रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी इज गिवन बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ए वन गिवन एक्स। हमें क्वेश्चन में बोला गया है ए एंड बी दोनों पर्संस किसी एक सर्टेन स्टेटमेंट पर एग्री करने के बाद, मतलब कि एक इवेंट के ऑकर करने के बाद उस स्टेटमेंट के सही होने का प्रोबेबिलिटी कितना है, मतलब कि ए वन इवेंट ऑकर करने का प्रोबेबिलिटी कितना है। सो ओके, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए वन गिवन एक्स हमें फाइंड करना है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए वन गिवन एक्स इक्वल टू हम लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए वन एक्स डिवाइडेड बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स। ठीक है, इस इवेंट का मतलब है एक इवेंट ऑलरेडी ऑकर कर चुका है, मतलब कि जो स्टेटमेंट है उस पर ए एंड बी दोनों ने एग्री कर दिया है। ओके, तो अभी हमें फाइंड करना है कि वो स्टेटमेंट ट्रू है या नहीं है। ठीक है, सो दैट इज इक्वल टू, अगर हम प्रॉबिट ऑफ ए वन एक्स का वैल्यू पुट करें तो वो है एक्स वाई डिवाइडेड बाई प्रॉबिट ऑफ एक्स का वैल्यू हमें मिला था वन माइनस एक्स माइनस ओ आई प्लस टू एक्स वाई। तो हमने ये प्रूव कर दिया है कि प्रॉबिलिटी ऑफ ए वन गिवन एक्स इज इक्वल टू एक्स वाई डिवाइडेड बाई वन माइनस एक्स माइनस वाई प्लस टू एक्स वाई, और यही हमारा रिजल्ट है। सो हम बोल सकते हैं हिंस द रिजल्ट।